हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करूंगा चिल वाटर सिस्टम के बारे में और हम इस कंप्लीट वीडियो में बेसिक्स को टच करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे चिल वाटर सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली पांच मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका सोर्स, जहाँ से मेन कूलिंग जनरेट हो रही है, ओके, चिलर। Then we have the expansion chamber, that is we as the pressurization tank or the expansion tank, pumps, distribution piping, which is connecting the whole network, and the load units, or you can say the terminal units, जिसको हम बोलते हैं, जो कि building के अंदर होंगी, which can be air handling unit or which can be fan coil units, ठीक है? सबसे basic जो part है इसके अंदर, जहां से स्टार्टिंग होती है चिल वाटर सिस्टम की, वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। ओके, जो पहले भी आपने कभी पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर होते हैं ये टॉपिक, उसका सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट का है। तो बेसिकली तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं हमारे। ओके, तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड द आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे क्या, इसमें यूज नहीं है आगे चिल वाटर सिस्टम में। तो मेन है आपका ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड दीज टू ओनली। ओके, तो हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास है एंड वी हैव सम लिक्विड, इसके अंदर हमारे पास कुछ लिक्विड है, आइदर वाटर है, कुछ भी है। तो जब आप इसको हीट सप्लाई करते हो तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? मेन चीज क्या है ना सिस्टम्स में, आपको दो चीजें चेक करनी है, एक तो एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट, ठीक है, एनर्जी मतलब हीट, दूसरा मास। ये दो चीजें आपको हर सिस्टम में देखनी है, उससे ही ये डिफरेंशिएट होते हैं। जैसे कि अगर आप देखो ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास ऑफ वाटर है और उसमें गर्म पानी है, तो कुछ टाइम बाद वो पानी इवेपोरेट होगा, तो मास का ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग में, और कुछ टाइम बाद ये पानी ठंडा भी हो जाएगा, तो हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो जिसमें मास का और हीट दोनों का ट्रांसफर होगा उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, मास का भी ट्रांसफर और हीट का भी ट्रांसफर। अब जिस सिस्टम में खाली हीट का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है ना, इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया, तो अब पानी तो इवेपोरेट नहीं हो सकता ना, ऊपर ड्यूज बन के नीचे ही गिर जाएगा, तो पानी तो जितना है उतना ही रहेगा इसके अंदर, बट कुछ देर बाद पानी नहीं ठंडा हो जाएगा, यानी कि हीट का ट्रांसफर हो जाएगा सराउंडिंग में। तो जिसमें हीट का भी ट्रांसफर होता है, सॉरी हीट का, ओनली हीट का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम, है ना। अच्छा, तीसरा सिस्टम है जिसमें कि आपका ना हीट का ट्रांसफर होता है ना मास का ट्रांसफर होता है, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम है, ये क्लोज भी होता है और आइसोलेटेड भी होता है, हीट भी ट्रांसफर नहीं होती। ओके, तो मेन हमारे दो ये हैं, ओपन सिस्टम एंड द क्लोज सिस्टम। तो इसको कोरिलेट करेंगे, अभी एक डायग्राम में आपको बताऊंगा, तो उससे कोरिलेट करेंगे कि कहां पर हमारा ओपन सिस्टम का यूज़र, कहां क्लोज सिस्टम आ रहा है। तो ये एक जनरल फिगर है, मोस्ट सिंपलेस्ट वन लगती है मुझे चिल वाटर सिस्टम को समझाने के लिए। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें हमारे पास चिलर है, लोड यूनिट्स है, हर फ्लोर पे एयर हैंडलिंग यूनिट्स है और टॉप पे कूलिंग टावर है, और इन एंड द पंप्स, कंडेंसर पंप्स एंड द चिल वाटर पंप्स, एंड ये सारे आपस में कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पाइपिंग, व्हिच इज मोस्टली वी यूज एमएससी क्लास। ओके, एमएससी क्लास। तो अब इसमें बेसिकली दो साइकिल मैंने आपको बताई थी, दो सिस्टम बताए थे, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। तो इसको उसको इससे कैसे कोरिलेट करेंगे, तो देखो ये आपका चिलर में फोर मेन कंपोनेंट्स होते हैं, evaporator and the expansion device, compressor and condenser. तो जो evaporator होता है इसमें, this one shell is for condenser, this one shell is for evaporator. आप दो shells दिख रहे हैं ना इसमें, तो एक shell तो condenser है, एक shell आपका evaporator है। ये जो evaporator की supply और return की piping है,
ये कनेक्टेड है बिल्डिंग के लोड से, ठीक है। तो हर फ्लोर पर AHUs हैं और ये इवेपोरेटर से चिल्ड वाटर सप्लाई हो रहा है और चिल्ड वाटर रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो ये एक साइकिल फॉर्म कर रहा है, यानी कि पंप ने इसको सक किया, देन इट इज सप्लाइंग वाटर टू द बिल्डिंग और पानी वहां से वापस आ रहा है बैक टू द इवेपोरेटर। तो वो साइकिल जो इवेपोरेटर की तरफ होती है, यानी कि इवेपोरेटर साइड की तरफ होती है, और जिसमें वाटर एक्सपोज नहीं होता, जिसमें वाटर एक्सपोज नहीं होता सराउंडिंग को, उसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। तो आप चीजें कोरिलेट कर सकते हो इसमें कि ना तो इसमें मास का ट्रांसफर होगा, सॉरी इसमें खाली सॉरी इसमें मास का ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा। 100 लीटर पानी गया है तो 100 लीटर ही वापस आएगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बट पानी के जाने का टेम्परेचर कुछ और होगा, पानी के वापस आने का टेम्परेचर कुछ और होगा। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो इंडिया में यूज होते हैं मोस्टली, जो आपका सप्लाई का टेम्परेचर रहता है वो रहता है 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में बोलोगे तो 7 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, 7 डिग्री सेल्सियस। और जो रिटर्न का टेम्परेचर रहता है वो 55 डिग्री फ़ारेनहाइट और 12 डिग्री सेल्सियस रिटर्न का, ठीक है। ये हम किसी बात करें क्लोज सिस्टम की। इस क्लोज सिस्टम को हम चिल्ड वाटर साइकिल भी बोलते हैं और इवेपोरेटर साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो चिल्ड वाटर साइकिल में या क्लोज सिस्टम में क्या क्या चीजें आ गई, इवेपोरेटर, चिलर का टर्मिनल यूनिट्स यानी कि एचओ और एफसीयू, और चिल्ड वाटर पंप, ये तीन चीजें आ गई मेन, ठीक है। तो तीनों नाम इसी से डिनोट करते हैं, क्लोज सिस्टम, चिल्ड वाटर साइकिल एंड इवेपोरेटर साइड, ठीक है। अच्छा, इसको क्लोज सिस्टम क्यों बोल रहे हैं हम, क्या रीजन है इसको क्लोज सिस्टम बोलने का, बिकॉज पानी एक्सपोज नहीं है सराउंडिंग में, ठीक है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इस वजह से बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं, दूसरा आप देखोगे ये कंडेंसर है, दिस इज कंडेंसर एंड दिस इज इवेपोरेटर। तो कंडेंसर की जो पाइपिंग जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है किसमें, कूलिंग टावर में, एंड रिटर्न आ रही है, दिस इज योर सप्लाई एंड दिस इज योर रिटर्न, एंड द पंप विच इज कनेक्टेड इट इज कॉल्ड एज कंडेंसर पंप, कंडेंसर पंप। ये जो साइकिल यहां पर हो रही है कंडेंसर से लेकर कूलिंग टावर, कूलिंग टावर से पंप, देन बैक टू द कंडेंसर, इसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है, कहते हैं ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम है दैट मींस मास का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, यानी कि हीट रिजेक्ट करेगा बाहर और मास का भी ट्रांसफर होगा। बिकॉज क्या होता है, कूलिंग टावर एक्सपोज, कूलिंग टावर तो खुला हुआ था ऊपर से, तो जब पानी स्प्रिंकल होता है यहाँ पर तो ये पानी एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो सम वाटर विल सम हमारे लॉसेज होते हैं कूलिंग टावर में, इवेपोरेशन लॉस, ड्रिफ्ट लॉस, ब्लो डाउन लॉस, ये सारे लॉसेज होते हैं कूलिंग टावर में। एक कूलिंग टावर की मेरी वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो डिटेल्ड में मैंने बताया कि कितने तरह के लॉसेज हैं, कैसे ये वर्क करता है। तो कई तरह के हमारे लॉसेज होते हैं, उसमें पानी का हमारा लॉस होता है, इसी वजह से हमें मेकअप वाटर टैंक चाहिए होता है यहाँ पर उस पानी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है ओपन सिस्टम। दूसरा नाम जो इसको हम देते हैं वो कहते हैं कंडेंसर वाटर साइकिल, ठीक है, कंडेंसर वाटर साइकिल। तीसरा नाम जो हम देते हैं उसको बोलते हैं कंडेंसर साइट, ठीक है, जैसे इसमें इवेपोरेटर साइट बोलते हैं ऐसे इसमें कंडेंसर साइट भी बोलते हैं, ठीक है। एंड वॉट आर द टेम्परेचर्स ऑफ सप्लाई रिटर्न, कंडेंसर वाटर का सप्लाई का और रिटर्न का क्या टेम्परेचर रहता है, आपका सप्लाई जो आपका पानी जाएगा वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाएगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, रिटर्न कितने पे आएगा 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। AHRI आपका जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करता है।
तो मोस्टली इंडिया में जो आपके चिलर्स हैं वो इसी टेम्परेचर पे डिजाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट इसमें है वाटर फ्लो रेट की कैलकुलेशन। हमारे पास दो सिस्टम है, ओपन सिस्टम एंड द क्लोज सिस्टम, दोनों में पानी कितना फ्लो रेट, पानी का फ्लो रेट क्या रहेगा, ठीक है। तो फ्लो रेट अगर आप क्लोज सिस्टम देखोगे तो 1 TR हमें पता है स्टैंडर्ड, एक टन बराबर होता है 12,000 BTU/h के, ठीक है। देन वी हैव वन फॉर्मूला कि भाई GPM इज इक्वल टू Q/1500 ∆T, है ना। तो क्यू आपको पता है कि भाई 1 TR में कितने होते हैं BTU, में अगर कन्वर्ट करोगे तो 12,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, then it will be converted into BTUs per hour. तो Q is equal to 12,000 into TR, because हमें इसको BTUs में convert करना है. CP यानी कि specific heat of water क्या होती है, 1 at constant pressure. Delta T chill water का inlet temperature, outlet temperature. तो 55-45 या 54-44, okay, not that much difference. तो Delta T आपका 10 रहता है, 10 पे. Delta T की value इसमें डालेंगे, 500 is the constant, Q की value कितनी 12,000 into TR, वो input करोगे then you'll got GPM is equal to TR into 2.4. मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है, अगर आपका 100 टन का चिलर है, मतलब इसका ये है, अगर आपका 100 टन का ये चिलर है तो क्लोज सिस्टम में कितना पानी का फ्लो रेट रहेगा, 2.4 × 100 यानी कि 240 GPM पानी का फ्लो रेट रहेगा यहाँ से सप्लाई जो निकलेगा, ठीक है। तो ये होगी फ्लो रेट की कैलकुलेशन। दूसरा आपका ओपन सिस्टम में एक हम टीआर के जो BTUs हैं वो बढ़ जाते हैं, उसका रीजन है हमने यहाँ लिया था 1 TR = 12,000 BTUs/h, यहाँ लेते हैं 12,000 BTUs/h प्लस 25% कंप्रेसर का लोड। एक्चुअली क्या होता है, कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट जाने से पहले कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जाने से पहले कंप्रेसर से पास होता है, तो जब कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा देयर विल बी एडिशन ऑफ हीट, तो वो कितना हीट एडिशन कर रहा है, तो हम उसको 25% लेते हैं, 25% कंप्रेसर का लोड। तो 12,000 का 25% लोगे तो ऐड करने के बाद आपका 15,000, एक टन बराबर 15,000 BTU/h आ गया। देन यू कैन सेम पुट द वैल्यूज एज वी हैव डन इन द क्लोज सिस्टम, सेम आप वैल्यू डालोगे तो आपका GPM बराबर कितना आएगा, TR into सिर्फ यहाँ 12,000 की जगह 15,000 हो जाएगा, that's all will remain same. GPM is equal to TR into 3.0, okay, means यानी कि अगर आपका 100 टन का चिलर है तो यहाँ पर 240 फ्लो करेगा, यहाँ पर कितना फ्लो करेगा, 100 × 3 यानी कि 300 GPM यहाँ फ्लो करेगा सप्लाई, और यहाँ से कितनी सप्लाई होगी 240 की, ठीक है। ये हो गई आपकी फ्लो रेट्स की कैलकुलेशन। बाकी इसमें और बहुत सारे मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे आपका एक्सपेंशन टैंक और कॉन्फ़िगरेशन, पंप्स की कॉन्फ़िगरेशन, पंपिंग सिस्टम्स, ठीक है, कांस्टेंट फ्लो सिस्टम, वेरिएबल फ्लो सिस्टम, तो ये भी हमारे डिफरेंट तरह के सिस्टम्स हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द टॉपिक लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आए यू कैन लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।